माय चैनल रश्मि की दुनिया। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी करवा चौथ की शॉपिंग। और आपने इससे पहले देखा होता कुछ क्योंकि दिवाली आने वाली है तो मैं कुछ थोड़ा थोड़ा घर को सजाने में लगी हुई हूँ। तो वो भी सारा कंप्लीट हो जाएगा, वो मैं आपको दिवाली से पहले दिखा दूंगी कि मतलब क्या क्या चीजें किस तरीके से मैंने करी हुई। थोड़ी अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि बीच में आ गया है करवा चौथ, और करवा चौथ के लिए आपको पता है कि बहुत ही सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। अभी मेहंदी मेरी नहीं लगी है, कल है करवा चौथ, तो मेहंदी देखते हैं शाम तक, मतलब नाइट तक ही लग पाएगी, उससे पहले तो नहीं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने करवा चौथ के लिए क्या क्या सामान लिया है, क्या मैं पहनने वाली हूँ वो भी डिसाइड नहीं है, बट मैं दिखा देती हूँ। हो सकता है तो वो पहनूंगी, अदरवाइज तो कुछ और पहनूंगी। तो क्या क्या चीजें वो ली है वो सारी चीजें मैं इसमें दिखाऊंगी कि मतलब हमारे यहाँ किस तरीके से होता है, क्या क्या सामान लेते हैं हम लोग। और पूजा तो नॉर्मल जिस तरीके से सबके यहाँ होती होगी सेम ऐसी होती होगी, कुछ डिफरेंट होता होगा बहुतों के यहाँ, बट हमारे यहाँ तो नॉर्मल रात में जो पूजा होती है वही होती है। और सरगी वाला सिस्टम भी काफी सारे लोगों के होता है, बट हमारे यहाँ सरगी वाला सा कोई सिस्टम नहीं होता है, तो एकदम नॉर्मल मतलब निर्जला तगड़ाई वाला जो फास्ट होता है उस तरीके से होता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जल्दी से देरी ना करते हुए, क्या क्या मैंने सामान लिया है वो पहले आप देखो। मैं अभी नहा ही नहीं हूँ क्योंकि सुबह से फिर से मैं काम में लगी हुई थी, तो मेरे फेस को अवॉइड करना क्योंकि अभी यार सुबह से काम के चक्कर में नहीं हो पाता है। तो मैं फर्स्ट आपको दिखाती हूँ जो मेरी साड़ी है, अभी तक तैयार नहीं हुई है, तो सोचा है कि क्योंकि ब्लाउज तो ऑलरेडी मेरे पास है, ग्रीन रेड और जो भी इसमें कलर्स हैं तो उस कलर का मेरे पास है। अगर कोई कर देता है जल्दी में फॉल पीको तो मैं देखूंगी करा के, अदरवाइज तो मेरे पास और भी बहुत सारी साड़ी रखी है, लहंगा रखा हुआ है, तो उनमें से कोई एक पहनूंगी, और अगर ये हो जाता तो ये पहनूंगी, कोई कंफर्म नहीं है। बट ये मेरी साड़ी है जो सिल्क की साड़ी थी, आ तो बहुत दिन पहले गई थी बट मैं अभी तक इसको रेडी नहीं करा पाई, और मन भी बहुत था कि पहनूंगी बट नहीं हो पाया यार, कोई नहीं। और ये इस टाइप की रेड कलर की साड़ी थी, बहुत ही प्यारी लगी थी मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी आपको पता है सिल्क बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। और इस तरीके की अंदर से है ये साड़ी, बहुत ही प्यारा सा, तो इसमें ग्रीन भी है रेड भी है और ये क्या बोलेंगे थोड़ा हाँ पर्पल कलर भी है, तो इतने सारे कलर हैं कि आप कोई सा भी ब्लाउज इसके साथ पहन सकते हैं। तो ये मेरी साड़ी थी, अभी देखती हूँ जल्दीबाजी में जाकर, अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज तो कोई बात नहीं। और ये है मम्मी जी का सूट, मम्मी जी मतलब क्योंकि हमारे यहाँ करवा चौथ पे मदर इन लॉ को दी जाती है सारी चीजें मतलब पूजा करके, तो ये है मम्मी जी का सूट, बहुत ही प्यारा सा सूट है, तो पूरा तो खोलूंगी तो पूरा तय करना पड़ेगा मुझे। तो ये पूरा इस तरीके का सूट है, शायद उनके पास ये कलर है भी नहीं, और होगा भी तो वो मतलब उनको सारी चीजें अच्छी लगती है पहन लेती हैं वो, अच्छा पसंद उनको। और ये मतलब इस टाइप का सूट है, ये है तो कॉटन टाइप का, कॉटन ही है शायद क्लॉथ, बट बड़ा अच्छा सा है, कलर भी अच्छा है, पूरा दुपट्टा सेट है। उसके बाद मतलब हम लोग मेकअप का सामान भी उन लोगों को मतलब उनको देते हैं, मेकअप का सामान और बिछवे भी, बिछुए मैं भी अपने लिए लाती हूँ हर साल, मैं नए पहनती हूँ बिछुए, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही छोटे छोटे, तो इस टाइप के बिछुए मैं उनके लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही छोटे छोटे से हैं। और कुछ इसी टाइप के मैंने बिछुए अपने लिए लिए हुए हैं क्योंकि मैं भी बहुत छोटे छोटे पहनती हूँ, और सिंगल सिंगल ही पहनती हूँ मैं, मतलब मम्मी जी भी एक एक ही पहनते हैं और हम लोग भी एक एक ही पहनते हैं, तो वो मैं दिखाती हूँ आपको, वो इस टाइप के हैं, वो भी सेम बहुत ही छोटे से बिछुए हैं मेरे भी, बहुत छोटे इस टाइप के हैं, तो बड़ी सुंदर सी डिजाइन लगी थी मेरे को तो मैंने ले लिया था जल्दी में। और उसके बाद कुछ मेकअप का सामान लिया है उनके लिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेकअप तो नहीं करती हैं, थोड़ी चीजें यूज करती हैं जैसे काजल कर लेती हैं, फाउंडेशन कर लेती हैं, मतलब फेस पाउडर यूज कर लेती हैं, और क्लैचर यूज मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें यूज करती हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं करती हैं, तो इसलिए मैंने लिया है, ये लिया लैक्मी का काजल, लैक्मी का कॉम्पैक्ट पाउडर, मतलब जो भी चीजें होती हैं मेकअप में, ये लिपस्टिक लैक्मी की, तो जो जो चीजें वो यूज बहुत ज्यादा मैंने बोला नहीं करती हैं। ये बैंगल्स हैं कुछ, मतलब सूट पहले ले लिया था, बैंगल्स बाद में ली थी, लेकिन मेरे दिमाग में था कि हाँ शायद इसी कलर का है वो सूट, तो ये बैंगल्स भी उससे मैच कर गई है, तो ये बैंगल है उनकी, ये बिंदी का पत्ता है, और ये कुछ क्लेचर है क्योंकि उनको शौक भी है, मतलब क्लेचर वगैरह लगाती हैं वो, तो ये, और उसके बाद इसमें नेल पेंट है और सिंदूर है,
और इसी में मैं रख दूंगी उनका जो बिचवे मैंने लिए हुए हैं वो चीज। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपने लिए क्या लिया हुआ है। उसके बाद मैंने अपने लिए लिए हुए हैं ये, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, मैं ऐसी मार्केट गई थी तो 100 रुपए का मिल रहा था ये 100 का। तो क्योंकि बैंगल्स भी मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं, डेली में तो मैं नहीं डालती हूँ, तो लेकिन फेस्टिवल में जब भी साड़ी पहनती हूँ तो उसके साथ डालने का मेरे को बहुत शौक है। तो ये 100 का मिल रहा था इस टाइप का चूड़ा, तो मैंने सोचा है कि मैं यही पहनूं, कोई भी मतलब ड्रेस पहनूंगी, कोई भी साड़ी पहनूंगी, लेकिन चूड़ा यही पहनूंगी। बहुत ही सस्ता सता यार, 100 रुपए का, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये भी। और ये 50 के मिल रहे थे, जैसे कल मैं बस मार्केट गई थी ना तो वहां पर ये 50 का मिल रहा था, तो ये कलर मेरे को बहुत ही अच्छा था। इस तरह का सूट भी है मेरे पास मरजेंटा कलर का, तो मेरे को लगा था यार 50 रुपए में कोई नुकसान नहीं है, तो मैंने ये भी ले लिया था। उसके बाद कुछ इस तरीके के मैं छोटे छोटे रोजेस भी लेकर आई हूँ। सोचा तो है बहुत ही ज्यादा कि यार बहुत ही अच्छी सी हेयर स्टाइल बनाऊंगी, ये करूंगी, कितना हो पाता है ये तो कल ही पता चलेगा। तो सोचा है कि जूड़ा बनाऊं या फिर साइड कुछ ऐसा डिजाइन करके तो उसमें ये रोजेस लगाऊं, क्योंकि बहुत ज्यादा चल रहा है इस टाइप से। हाँ, तो सोचा है इस टाइप के रोजेस लगाऊं, तो बड़े प्यारे प्यारे से लग रहे थे, तो मैं ये लेकर आ गई थी। और उसके बाद जूड़ा पिन मेरी सारी खत्म हो गई थी, तो मेरे को जूड़ा पिन की नीड थी, तो मैं जूड़ा पिन भी सारी लेकर आ गई हूँ ये सारी। उसके बाद एक मम्मी जी के लिए वो नेल पेंट थी, मेरे को अच्छी लगी थी, दो मेरे को लगाना तो मेरे को भी रेड है, बट मेरे को ये दोनों कलर बहुत अच्छे लगे, तो मैं दोनों कलर लेकर आ गई थी, येलो और एक और ही, पता नहीं किस टाइप का है, पता नहीं, मतलब दो शेड मिले हुए इस टाइप का है। उसके बाद ये एक फाउंडेशन के लिए ब्रश है, क्योंकि ये मेरे ब्लेंडर जितने भी होते हैं यार, अच्छे ले लूँ किसी के भी ले लूँ, लेकिन ये थोड़ा बहुत मैं क्लीन कर नहीं पाती हूँ उनको, तो लगा लगा के वो बेकार हो जाते हैं, तो एक ये पूरा पैक ये लेकर आ गई थी, और इस टाइप का ब्रश लेकर आ गई कि इजीली रहेगा लगाने में और उसको क्लीन करने में भी। उसके बाद मैंने लिया है ये छोटे छोटे रबड़ बैंड है, ये भी सोचा है कि पता ही नहीं क्या ही बहुत तगड़ी वाली जैसे हेयर स्टाइल मैं करने वाली हूँ, तो ये छोटा सा रबर बैंड छोटे छोटे से हैं, काफी छोटे छोटे से लगा सकती हूँ इससे। और उसके बाद मैंने लिया है बहुत ही हेयर स्टाइलिश जूड़ा वैसे तो इतने मोटे मतलब बड़े बाल दे रखे हैं मुझे, अब बहुत ज्यादा शौकीन भी नहीं हूं मैं जूड़ा बूढ़ा बनाने की, बट कुछ साड़ी वाड़ी ऐसे एक दो बार मैंने ट्राई किया हुआ तो ऐसा लगता है कि फेस पर अच्छा लगता है, तो मेरे को लगा था कि कुछ इस टाइप का जूड़ा लेती हूँ। और बहुत ही ईजी है, आपको इसको कुछ नहीं करना है, ये आपके जैसे हेयर है और इसको इस टाइप से पूरा वो कर लेना है, और ये इतना क्लचर दे रखा है, और इस तरीके से इसको लगा लेना है, तो बहुत ही इजी सा है। अभी तो नहीं आ पा रहा है, पता नहीं लग पाएगा क्योंकि मेरे जो है बहुत ज्यादा मोटे भी हैं, तो पता नहीं लग पाएगा, शायद देखो लग ही जाए। तो इस टाइप पे है ये जूड़ा, देखो दोनों साइड से इस तरीके से दे रखा है, और आप सोच रहे होंगे बीच में ये गैप है, जब मैं इसको ऐसे ओपन करके लगाऊंगी अंदर का क्लचर इस टाइप से, तो ये जो गैप है ना ये कवर हो जाएगा इससे। तो इस टाइप का ये जूड़ा लिया हुआ है, ये मुझे दिया था उन भैया ने 130 समथिंग ऐसे दिया था, 130 रुपए का, तो मेरे को लगा था कि 130 रुपए यार बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो मैं ले लेती हूँ, तो ये मैंने लिया हुआ है। और बस इतनी सारी चीजें ही ली हुई है मैंने, बाकी का जो दूसरी साड़ी मेरे पास रखी हुई है रेड कलर की भी है और भी कलर की है, तो सोचो उसमें से देखते हैं कुछ पहन पाती हूँ या नहीं। और मेकअप का सारा सामान मेरे पास है, सारी चीजें जो भी मेकअप की होती हैं, आई शेडो वाली बहुत सारी तो अप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बस सारी चीजें हैं। अब मुझे बस मेहंदी लगवाना है, मेहंदी का देखा भैया बाहर बैठे हुए हैं वो लगाएंगे, अदरवाइज विक्रांत का बहुत मन है इस बार कि एक हाथ पे मैं लगाऊंगा तुम्हारे मेहंदी, तो वो हर साल बोलते हैं कि नहीं नहीं एक से मेरे से लगवा लो एक हाथ पे, तो मैं हमेशा ऐसे ही कर देती हूँ कि नहीं नहीं तुम अच्छी नहीं लगाओगे, बट इस बार मैंने सोचा है कि चलो वो इतना मन से बोल रहे हैं तो एक हाथ पे वो लगा देंगे, और एक पे या तो मैं बाहर लगवाऊंगी या खुद से लगा दूंगी। आती है मुझे मेहंदी लगानी बट आलसी वाली चीज हो जाती है। तो ये थी सारी मेरी करवा चौथ की शॉपिंग जो मैंने ये करी हुई है। उसके अलावा भी मैंने बताया ना स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने दिवाली के लिए भी शॉपिंग करी हुई है, मतलब दिवाली के लिए घर पे से जाने के लिए बंजारा मार्केट से गुड़गांव के ही, तो उसमें भी मैंने काफी सारी चीजें ली हैं और थोड़ी 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 करके लगाने भी लगी हूँ घर में, तो वो मैं आपको कल तो मेरा करवा चौथ का व्लॉग आएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा मैंने किस तरीके से घर को सजाया हुआ है वो मैं इसमें दिखाऊंगी आपको। और अभी आज बहुत ही ज्यादा टाइम हैक्टिक होने वाला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, और आप मेरा करवा चौथ का लुक भी देखना चाहते हो तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे आपको न्यू वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। चलते बाय।